of other organizations which have felt honored by honoring her. Pray that you be pleased to confer upon Rajyogini Brahma Kumari Prakashmani the degree of Doctor of Literature on this quaja. By the authority vested in me as Chancellor of this University, I admit you to the degree of Doctor of Literature in God's honorous mercy. दादी डॉक्टर प्रकाश पने से निवेदन करता हूँ कि वे अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित कर ओम शांति सभी प्रेम से बोलो ओम शांति आज हमारी प्रिय भ्राता कहूँ अथवा अपने राज्यपाल जी कहूँ आप इस मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के चांसलर जी भी हैं और साथ साथ हमारे इस विश्वविद्यालय के अनेक चांसलर्स आदियों को हम बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ जिन्होंने आज हमें इस कार्य के निमित्त सम्मान किया है हम तो कहेंगे हम आप सभी भाई बहनों की बहुत बहुत छोटी सी मानव सेवा की एक जीवन अर्पित की हुई आप सभी की छोटी बहन हूँ मुझे शिव परमात्मा पिता के आदर्शों के अनुसार प्रेरणा अनुसार अथवा प्रजा पिता ब्रह्मा जो शिव परमात्मा पिता की माध्यम है उनके इस ज्ञान योग और राजयोग के द्वारा सभी वजह प्रेरणा मिली हुई है कि वास्तव में मानव का उत्थान है आध्यात्मिक से जिसके अंदर मानव मात्र अपने जीवन को सुंदर दैवी आध्यात्मिक शिक्षाओं के आधार पर दैवी गुण संपन्न नैतिकता सीख सकते जिसको मॉरल कहा जाता है जैसे कि आज के युग में हर एक जानते हैं कि बहुत प्रकारों की शिक्षाएं प्राप्त करते परंतु जो आध्यात्मिकता की शक्ति है आध्यात्मिकता की जो शिक्षा है जिसको वास्तव में कहा जाता हर मानव आत्मा की सच्ची शिक्षा का मार्गदर्शन है अगर ये हर एक बच्चा बूढ़ा जवान छोटा बड़ा प्राप्त करता तो उससे स्वयं भी अपने जीवन को महान बनाता अथवा अपने समाज अपने देश के अंदर सच्ची क्रांति ला सकता विशेष आज हम इस विश्वविद्यालय की अपने भाई बहने कहूँ युवक युवतियों कहूँ अथवा हमारे जो इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी है स्कूल्स के अध्यापक है हम सब के लिए एक आशा करती नहीं परंतु एक शुभ भावना रखती कि अगर हमारे इस सभी विद्यालयों में ये आध्यात्मिक शिक्षा का एक थोड़ा मात्र भी अगर कुछ घड़ियां भी इस राज्यों की शिक्षा हरेक को मिल जावे
तो पहले मानो स्वयं का सुधार उन्नति अथवा दैवी गुणों की जीवन बनाए तो ये जो आज हमारी हिंसक कार्रवाई है वे बदल सच्ची अहिंसक कार्रवाई हो जावे। इसके लिए हम अंत में कहेंगे कि हम सबको एक ये शिव परमात्मा पिता का संदेश देते कि ये वर्ष हमारी ये सबको शुभ संदेश है कि आओ हम सभी मिलकर के देश में शांति एकता सद्भावना की क्रांति लावे जिस क्रांति से हमारा देश महान था फिर से महान सच्चा स्व बन सकता ऐसी आशा के साथ फिर से हम आज विश्वविद्यालय की कार्यकर्ताओं को और विशेष हमारी राज्यपाल जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती ओम शांति ओम शांति ओम। आज डिग्री पाने वालों में गोल्ड मेडल पाने वालों में शायद बच्चों से ज्यादा बच्चियां मौजूद हैं मुझे तो इस पर विशेष प्रसन्नता इस बात पे है कि राजस्थान में हमने बड़ी सी मुसीबत संकट का समय हमारे सामने है। आज हमको देखने में आता है पिछले 70 वर्ष में जहां महिलाओं में लिटरेसी की कैंपेन 0.75% थी वो आज 20.8% तक आपने ले गया। इन महिलाओं की जो उन्नति हो रही है मल्ले महिलाएं जिस तेजी के साथ आगे आ रहे हैं मुझे ऐसा विश्वास हो गया कि आप राजस्थान पीछे नहीं रह सकती और वो आगे बढ़ना है क्योंकि मेरा विश्वास है मेरा अनुभव है और इस श्रम का तजुर्बा है तमाम जगहों पे जहां महिलाएं आगे आते हैं वो आगे देश बढ़ सकती है या महिलाओं को दबा के रखते हैं वो कभी भी देश आगे नहीं आ सकती। आज इत्तेफाक की बात है या कोइंसिडेंस है कि हम जहां महिलाओं की ये बात करते हैं आज हमने विशेष दीक्षांत देने के लिए हमने दो बड़े महिलाओं को उन्होंने प्रार्थना किया मुझे खुशी है कि वो आभार हमारी इस मांग को उन्होंने स्वीकार किया। श्रीमती सरला जी अभी आपने पढ़ा देखा सुना कि किस तरह अपनी आयु छोटे आयु से ही इस काम में लगे जुड़े और केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने इस संस्थाओं को बढ़ाने का काम उन संस्थाओं को जुड़कर डट के काम करने की जो उन्होंने चेष्टा की उसके लिए केवल हम बधाई नहीं देते बल्कि हमको उधर इस यूनिवर्सिटी के पास ऑनरी डॉक्टरेट देने का इज्जत हमको हमारी यूनिवर्सिटी जहां पर वाइस चांसलर ने कहा कि उनके लिए गौरव की बात नहीं बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए गौरव की बात है। और इस बात से हम ये भी बताना चाहते हैं हमें विश्वास है जो भी अच्छा काम करते हैं उन्हें ढूंढेंगे और ढूंढकर एक आदर्श के तौर पर हम हमारे विद्यार्थियों के सामने पेश करें ताकि वो इस बात को लें। इसके साथ साथ मुझे और भी खुशी है कि हमारे ब्रह्म कुमारी के मूवमेंट की पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की चीफ और हमारी दादी प्रकाश बनी जी जो इस ऐसी फिलॉसफी को अपनी जीवन के शुरुआत से उस वक्त महान काम को लिया और आज लगभग 30,000 से ज्यादा लोग फौज के सेनानी को लेकर सारी विश्व में इस बात को फैलाने की वो चेष्टा कर रही है। परम पिता ब्रह्म कुमारियों की जो काम विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय की खास बात मैं ये मानता हूं हम सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमेशा लोगों को उधारने की बात करते हैं यही एक संस्था है जो खुद को उधारने की बात करती है खुद हम जब उठ गए हमारा उत्थान हो जाए तो समाज खुद बहुत उत्थान हो जाता है हम लोग भूल जाते हैं और लोगों को कहते हैं और हम तो कुछ खुद करने नहीं पाते। सही तो यह है कि अगर हम किसी न किसी चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे बिजनेसमैन हो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे और कोई हो एक नंबर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि आज हमारा क्या बात है हमारा ध्येय क्या है हमारा रास्ता कहाँ है हमारा उस परमपिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है और संबंध के नाते हमारे आजू बाजू रहने वालों के साथ हमारा क्या संबंध है हमारा क्या कर्तव्य है और स्वयं हमारा क्या काम है और हमें किस रास्ते पर जाना है उन चीजों का अनुदान करने की बड़ी महासंस्था के
नेशनल इंटरनेशनल चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर प्रकाश मणि जी को हम बड़ी आदर से गौरव से आज यूनिवर्सिटी की ओर से हमने ये दिया। हम उनसे स्वीकार करेंगे। शिव बाबा ने एक चीज बताया, ब्रह्मा बाबा ने ये बताया कि ये काम केवल महिलाएं कर सकती हैं। हमने ये बात गांधी जी से सुना, हमने ये बात बुद्ध जी से सुना और अब इस वक्त तमाम अलग अलग संस्थाओं में महिलाओं को जो प्राधान्यता है वो इस संस्था में है और उनकी फौज के कारण आज भारतवर्ष नहीं सारे विश्व में इस नए संदेश को पहुंचाने का काम करते सर्वसमर्पित अलौकिक तरह से पूरी दुनिया को सबको छोड़कर अपनी सर्वस्व को इस काम में लगाए हुए ऐसे सैनिकों के सरदार को मैं अभिनंदन करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारा काम हमें होगा। हम किस शक्ल से देखते हैं ये अलग बात है। भारतवर्ष ने यह बात को साबित किया, हिंदू दुनिया के सारे पांच बड़े मजहबों को हम अपना आज की जो नए पीढ़ी के जवान भाई और बहन है मैं उनको उनसे प्रार्थना करता हूँ, कब बंद प्रार्थना करता हूँ, क्या आप इस सिद्धांतों को लीजिए, आपकी डिग्री की से ज्यादा मूल्य कीमत यह है कि आज फिर परंपरा की हम शान आन को रखने की बात। इसलिए मैं ब्रह्म कुमारी के मूवमेंट को देखकर मैं गौरवान्वित मानता हूँ, उत्साहित हो पाता हूँ और हिम्मत आ जाती है हम फिर से उन चीजों को सख्त सख्त काम को करने की बात होती है। मैंने कई साल सुना 20-25 साल से मैंने इस मूवमेंट के साथ देखते हुए जो आया किस तरह की उन पर नेगेटिव टिप्पणी होती थी मैंने उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के नाते देखा। मैं उनके कॉन्फ्रेंस में जाने पर कितने लोग मुझे टेलीग्राम्स भी इसके पास ना जाए इनके पास, मगर मैं कहता हूँ कि हम इन चीजों को देखकर सबक लेने के योग्य बन सकते हैं, यही हमारी विश्वास है।